यस आई गॉट इट फ्रॉम शीन. अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो शीन एक्सेसरीज हॉल है उसमें बताया था कि मैंने जो शीन का सामान मंगाया है वो इंडिया में कोई डिलीवरी नहीं हुई है मुझे. बेसिकली रिजवान दुबई गया था, वहां से वो मेरे लिए लेकर आया है. मैंने उसे बोला था प्लीज मेरे लिए शीन का सामान ले आना, तो दैट्स हाउ आई गॉट माय शीन स्टफ. अगर आपका कोई भी फ्रेंड अब्रॉड रहता है या कोई अब्रॉड से आ रहा है तो आप लोग भी मंगा सकते हो. तो ऐसे मैंने मंगाया, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. मैंने क्या क्या मंगाया है दैट्स द पॉइंट. लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट. आई एम गोना शो यू ऑल द टॉप्स आई बॉट इट फ्रॉम शीन. एंड द फर्स्ट टॉप इज दिस रेड टॉप. लुक एट दिस. आई लव द कलर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया, और बस इसका पैटर्न भी. आजकल ये नॉट वाला पैटर्न बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है, एंड ये कितना क्यूट है, बहुत ही क्यूट है. और सबसे अच्छी बात है ना, इसकी काफी स्ट्रेचेबल है पीछे है. मैंने इसको एल साइज में मंगाया है बिकॉज ये ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई ब्रेस्ट आई गॉट लाइक एल साइज आता है मुझे. बट लुक एट दिस. आई लव द कलर एंड आई लव द स्टाइल. एंड इसकी फिटिंग इतनी सुंदर फिटिंग आई है, मुझे इतना पसंद आया. इसको तो मैं स्टाइल करने का वेट नहीं कर सकती. आई थिंक दिस टॉप इज गोना बी वेरी वेरी डेटी टॉप. लाइक डेट पे जाने के लिए आई कैन वेयर दिस टॉप बिकॉज इट्स सो क्यूट. बहुत ही प्यारा बो जैसा लग रहा है मुझे, आगे सच बताऊं तो. मुझे बहुत पसंद आया और काफी स्ट्रेचेबल भी है, मतलब किसी भी साइज को फिट आ सकता है मेरे हिसाब से तो. लाइक मुझे तो बहुत अच्छे से फिट आ गया, बहुत ही कंफर्टेबल है सबसे बड़ी बात. लेट्स सी अनदर वन. इट्स अ ब्लैक टॉप. Look at this. It's like, मुझे लगा ये कोई हैंकी है. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट ये टॉप इतना सुंदर है क्योंकि इसकी फिटिंग से ही आपको पता चलेगा. बेसिकली ये है इसकी फिटिंग. ये टॉप है बैकलेस, लाइक प्रॉपर बैकलेस. मुझे बहुत पसंद आया. कॉटन में पूरा का पूरा, और इसको आप अपने बूब्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. बट यू नो वॉट, ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगा मेरे बूब्स के अकॉर्डिंग. बट इतना भी छोटा नहीं है, मैं पहन नहीं सकती. बट थोड़ा सा और कवरेज होती तो बहुत सुंदर लगता, जबकि मैंने इसे एल साइज में मंगाया है स्टिल. बट आई लव इट. आई लव द स्टाइल और आई लव द कपड़ा ऑल्सो बिकॉज इट्स प्योर कॉटन. एंड लव द बैकलेस वाला थिंगी, जस्ट लव इट. एंड नेक्स्ट अनदर अ वेरी वेरी क्यूट टॉप जिसका पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज इसमें पूरे फ्लावर्स बने हुए हैं. लुक एट दिस, कितना सुंदर है ये. जब मैंने इसे देखा था आई वॉज लाइक डूड आई एम गोना बाय दिस टॉप. यस एंड आई लव इट. जस्ट लुक एट दिस, सो क्यूट टॉप. एंड डेफिनेटली इसका पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया और इसकी फिटिंग ऐसी है एंड इतना क्यूट टॉप है. बट एक ही प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा मुझे लूज है, हल्का सा टाइट. जबकि मैंने एल साइज में मंगाया है स्टिल हल्का सा लूज है. अगर हल्का सा टाइट होगा ना और सुंदर लगेगा. बट आई जस्ट लव दिस पैटर्न. बहुत सारे फ्लावर्स बने हैं एंड आई लव द कलर एवरीथिंग. आई लव दिस टॉप. लाइक मुझे नहीं पता इंडिया में ऐसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने शीन से मंगा लिया इसको. लेट्स चेक अनदर टॉप नाउ. कुछ भी कह लो, मतलब मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट टॉप हो चुका है ये, क्योंकि ये ऐसे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा बिकॉज ये कॉर्सेट स्टाइल में है. और इसकी सबसे सुंदर बात है कि ये जो ये पीछे इसकी नॉट बांधने के लिए, देखो कितना सुंदर है. और इसका एक्चुअल में मेरे को लगा ऐसी सही टॉप है जब मैंने इसको पहना. द फिटिंग, लव इट. ये जो इसका स्टाइल है साइड में बांधने वाला, आई जस्ट लव इट. आई जस्ट लव दिस टॉप. आई लव द कलर एंड आई लव द स्टाइल. कॉर्सेट टाइप में है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और काफी ज्यादा पॉसिबल स्ट्रेचेबल भी है. स्टिल ये यहाँ पे बांधने का देने के बाद भी स्टिल ये कपड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है भाई. आई थिंक ये मैंने हार्डली 700-800 रुपए में मिल गया था. इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा स्टाइल, इंडिया में भी बन जाए तो मजा आ जाए. एंड नेक्स्ट द बॉटम. पहला बॉटम तो मैंने पहना ही हुआ ही है, मुझे बहुत ही पसंद आया था ये वाला. एंड ये रहा इसकी फिटिंग. आई जस्ट लव दिस बॉटम बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है. तो मैंने इसके अंदर इसी कलर की अंडरवेयर पहनी हुई है. बट जस्ट लव द फिटिंग एंड लव द डबल फ्लेयर में है तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है. कंफर्टेबल है, स्कॉट है बेसिकली. इसके नीचे शॉर्ट्स भी है एंड इट्स सो क्यूट. और समर के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है बिकॉज सो लाइट. एंड नेक्स्ट है, इस पे तो मुझे काफी टाइम से नजर थी. ठीक है, मैंने काफी टाइम पहले ही शीन में देख लिया था और मैंने फाइनली ऑर्डर कर लिया बिकॉज ये कितना कूल है यार. दिस इज सो कूल, आई जस्ट लव इट. तो ये मैंने ऑर्डर किया था एल साइज, एम साइज में मैंने इसे ऑर्डर किया है. बट इसकी फिटिंग देखो, चिंग 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 चिंग, पूरा डांसिंग वाइब है. ये काफी ट्रेंड में चला था बीच में. इसकी ड्रेसेस भी मेरे पास पड़ी हुई है बट मुझे बॉटम चाहिए था. इसकी एक ही नुकसान है कि ना इसके में ये थोड़ा टूट रहा है तो ये पूरा गंदा कर रहा है. बट दैट्स द ओनली मेजर नुकसान. अदरवाइज इसके नीचे शॉर्ट्स है जो कि काफी कंफर्टेबल है तो ये इसमें डर नहीं है कि नीचे कुछ दिखेगा ऐसा वैसा करके. बट इसका ये क्वालिटी वाइज की बात करूं तो इतना कुछ खास नहीं बिकॉज इसका ये टूट रहा है
और पूरा नीचे ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, सीले गंदगी मचा रहा है, बट आई थिंक मैं स्टाइल कर सकती हूँ, एक आध बार पहन के देख सकती हूँ। थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई बट स्टाइल के मामले में ये 10/10 है। स्टाइल तो मुझे बहुत ही पसंद आया, इतना कूल है, और सबसे बड़ी बात इसमें आपका बाबू नहीं दिखता रे, इतना कूल है ये। नेक्स्ट बॉटम, ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट हो चुका है, क्योंकि मेरे फेवरेट कलर में और इसका स्टाइल इतना सुंदर है। बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि मैंने जब मैं ये एक्चुअल में एक जिम वेयर है, इट्स अ जिम वेयर बट आई एम नॉट गोना वेयर इन द जिम दिस बिकॉज द कलर एंड द स्टाइल, लुक एट द कलर फर्स्ट, है ना इतना सुंदर। एंड दिस इज द स्कॉट, बेसिकली ये स्कॉट है, लुक एट द फिटिंग, जस्ट लव इट, आई लव दिस। में 3 layers है यार, 1, 2 and 3, नीचे शॉर्ट्स है, बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचिंग है, और इसमें बाबू भी नहीं दिख रहा, और स्टाइल के मामले में तो ये A1 है। मुझे इस टाइप की स्कॉट बहुत पसंद आती है, आजकल ये वाला ट्रेंडी है जो कि इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली मेरे को इसीलिए मंगाना था कि मैं वहां से मंगा लूँ ये टाइप का। नीचे वाला भी मैंने पहना है, इसी टाइप का ही है, मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उसका स्टाइल आई लव इट, दिस काइंड ऑफ स्टाइल अभी बहुत ट्रेंडी हो रहा है, सो क्यूट, आई जस्ट लव द कलर ऑल्सो, पिंक बार्बी वाइब। नेक्स्ट, ओके, ये ड्रेस में आपने मुझे काफी ज्यादा देखा होगा, बहुत सारी है मेरे पास, मैंने और मंगा ली क्योंकि मैं बस पिंक कलर में नहीं था, एंड यू नो योर बेस्टी लव पिंक, एंड लुक एट दिस ड्रेस, आपने मुझे इस ड्रेस में देखा है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी ड्रेस है, बट ये थोड़ी सी अलग है बिकॉज वो सारी स्लीव्स में है और ये वाली हाफ स्लीव्स में है, एंड आई जस्ट लव द कलर। और इसकी बहुत अच्छी खास बात है कि ये भी स्कॉट टाइप्स, मतलब ये एक्चुअली ना रोम्पर है बिकॉज इसके नीचे शॉर्ट्स है, एंड लुक एट द कलर, सो प्रिटी, आई जस्ट लव द कलर, आई जस्ट लव द क्लोथ, बिकॉज ये क्लोथ पूरा कॉटनिश में है तो समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एंड लुक एट द फिटिंग, इस ड्रेस की फिटिंग तो मुझे लगता है कि ड्रेस बनी ही मेरे टाइप की बॉडी के लिए है, जिनका सिर्फ पेट ही बाहर निकला हुआ है, क्योंकि इसमें पेट तो दिखता नहीं है, एंड फिटिंग इतनी सुंदर लगती है, आई जस्ट लव दिस ड्रेस, इस ड्रेस से मुझे प्यार हो गया है। मेरे पास ऐसी और भी ड्रेसेस है, आप लोगों ने मुझे पहने में देखा हुआ है, बट ये पिंक कलर में है यार, पिंक कलर तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, ये वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेसेस में से एक हो चुका है, मैं किसी स्पेशल ओकेजन में पहनूंगी, कांट वेट टू वेयर दिस नाउ, बट जस्ट लव इट, लव इट। एंड हियर वी गो, लास्ट नॉट द लीस्ट, वैसे मैंने बहुत सामान मंगाया है बट मैं आपको छाट के सामान दिखा रही हूँ, जो कि थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सारा नहीं दिखाना चाहती एक बार में, आपको दिख जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बट लेट मी शो यू दिस वन। ये भी मेरी काफी टाइम से नजर थी क्योंकि मुझे इसका प्रिंट बहुत पसंद आया, कलर कॉम्बिनेशन देख लो आप लोग, पहली बात तो लुक एट दिस, सो क्यूट, दिस इज द शॉर्ट्स एंड दिस इज द अपर वेयर, जस्ट लव द प्रिंट एंड लुक एट द फिटिंग, इतनी सुंदर लगे ना मुझे इसका प्रिंट, इसका प्रिंट देखते मैंने कहा डूड दिस इज सुपर क्लासी, आई एम गोना बाय दिस एंड आई कांट वेट टू स्टाइल दिस, क्योंकि इतना सुंदर है, इतना कंफर्टेबल है, पहली बात तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंफर्टेबल है पहनने के लिए, एंड आई जस्ट डाइंग टू स्टाइल दिस। एंड दूसरी बात बता दूं, ये स्ट्रेचेबल है, ये कपड़ा ही स्ट्रेचेबल है, जस्ट लव द कपड़ा, इतना सुंदर कपड़ा और इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना सुंदर प्रिंट, भाई मैं चाहती हूँ कि शीन इंडिया में आ जाए, सच में चाहती हूँ, मैं बस नहीं आ रहा, यही एक प्रॉब्लम है। सारे जितने भी फॉरनर्स फ्रेंड्स हैं, जितने भी सबको मैसेज कर रखा है कि भाई मेरा शीन का सामान ला दो, आई एम लाइक क्रेजी अबाउट शीन, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रमोटिंग शीन बिकॉज इट्स अ चाइनीज ऐप, बट इट जस्ट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शीन, ये एक फैन बोल रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम प्रमोटिंग शीन, बट यू नो इफ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग तो आप अपने सारे फॉरनर्स फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हो, बोलते हो प्लीज ला दे मेरे लिए शीन का सामान, बिकॉज मैंने लिटरली ऐसा भीख मांगे मेरा शीन का सामान ला दो प्लीज 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 करके, एंड फाइनली इट्स हियर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट, और भी चीजें दिखाने के लिए मे भी धीरे धीरे दिखेगी बट लेटर, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन की सबसे ज्यादा आपको कौन सा वाला पसंद आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू बेस्टीज, बाय।